हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज़ म्यूटेशन। सो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि म्यूटेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स जो कि जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और हम एक इजी वे में स्टडी करेंगे और बड़े आसान तरीके से हम समझेंगे कि म्यूटेशन की टाइप्स और क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जो, उसको ब्रीफली डिफाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आगे डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है, म्यूटेशन होती क्या है? तो म्यूटेशन क्या है, इट इज़ ए फिनोमिना दैट कॉसेज द अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। एक क्या है फिनोमिना, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। हमें पता है कि डीएनए क्या होता है, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए की। डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो उसमें क्या होती है, सीक्वेंसेस जो होती है पार्टिकुलर, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ए टी जी टी, जैसे एडिनाइन थायमिन, जो सीक्वेंसेस होते हैं, कोड्स होते हैं, उन्हें क्या होती है, चेंज होती है, अल्टरनेशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज आती है, तो उसकी वजह से विच डायरेक्टली अफेक्ट द जीनोटाइप। हमें पता है कि जो डीएनए सीक्वेंसेस होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। और इसकी वजह से क्या होता है, चेंज, उसकी वजह से चेंज हो जाता है हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप, दोनों ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हमें पता है कि जीनोटाइप क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जीन्स जो हमारे यहाँ प्रोटीन बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस अगर जीनोटाइप हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, अल्टरनेट हो गया, तो उसकी वजह से फिनोटाइप में ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जो किसी भी डीएनए सीक्वेंस में क्या होती है, हमारी जो बॉडी में चेंज आती है डीएनए सीक्वेंस की चेंज की वजह से, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ओके, और म्यूटेशन टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी, ह्यूगो डीवेरिस। सो द नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। मेनली म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड द सेकंड वन इज द जीन म्यूटेशन। सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट आर द क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड व्हाट आर द जीन म्यूटेशन। एवरी टर्म विच इज इन दिस द फ्लो चार्ट विल बी डिस्क्राइब्ड एंड यू हैव टू टेक द नोट्स आर की पॉइंट्स इन द साइड ऑफ द टेबल। तो आपके लिए आसानी हो जाए रिवाइज करने के लिए। सो जो कोई भी टर्म मैं बोलूँगा, उसको साइड में उसके साथ उसके की पॉइंट्स बनाते जाना, ताकि आपको रिवाइज करने में क्या वो आसानी हो और दिक्कत ना आए। सो फर्स्ट इज़ द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, व्हाट यू मीन बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो क्रोमोसोमल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू क्रोमोसोम एंड जीन विच इज समथिंग रिलेटेड टू जीन। सो क्रोमोसोम, वी नो दैट द क्रोमोसोम आल्सो कंसिस्ट ऑफ जीन। सो लेकिन क्या है कि जो क्रोमोसोम है उसमें जीन्स तो होंगे, लेकिन अगर कोई भी चेंज या म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से जो क्रोमोसोम में चेंज आ रही है, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हो गई क्रोमोसोम म्यूटेशन। या फिर क्या हो सकता है, क्रोमोसोम, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम की क्या है, हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, जो 1 2 3, हर एक जो क्या है, अपना एक डिफरेंट आइडेंटिटी या स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी कभी कभार म्यूटेशन की वजह से चेंज आ जाती है, तो उसको बोलेंगे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मतलब क्रोमोसोम में जो चेंज आएगी। ठीक है, और जीन म्यूटेशन होगी जो जीन में चेंज आएगी। हमें पता है कि जीन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है। जीन क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है, जो कि कोड करती है प्रोटीन के लिए। लेकिन अगर कोड करती है प्रोटीन के लिए, तो डीएनए में क्या होता है, कोडोन्स होते हैं जो कि जीन को क्या करते हैं। तो एवरी जीन हैज़ इट्स ओन कोडिंग। सो अगर क्या होता है कि किसी कोडिंग में चेंज आती है, जीन मतलब कोडिंग, तो कोडिंग में अगर चेंज आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जीन में अल्टरनेशन हो जाएगी, उसमें म्यूटेशन हो जाएगी। तो जो पहले कोड करता था वो किसी प्रोटीन के लिए, शायद वो बंद करना बंद कर दे, या कोई और उसकी वजह से क्या होगा, साइड इफेक्ट हो जाए। बेसिकली हमें पता है कि म्यूटेशन जो होती है अनफेवरेबल होती है, ना कि फेवरेबल। अब आ गया कि जीन म्यूटेशन आती किसकी वजह से है। तो क्या होता है कि जब एट द टाइम ऑफ द डुप्लीकेशन, जब डीएनए कॉपिंग होती है, तो उसकी उसमें क्या होता है, कई बार कोडोन में इंटरप्शन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या आती है, डीएनए म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन आ जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बोथ द क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन। द नेक्स्ट वन इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन को फर्दर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन द क्रोमोसोम नंबर एंड चेंज इन द स्ट्रक्चर। वेरिएशन द क्रोमोसोम नंबर, वेरिएशन द क्रोमोसोम नंबर मीन्स प्लाइडी। प्लाइडी को भी वेरिएशन द क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं। तो हम पहले करेंगे वेरिएशन नंबर को स्टडी करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लाइडी, ये फर्दर डिवाइड है यू प्लाइडी और एन यू प्लाइडी। तो नाम से पता चल रहा है प्लाइडी मतलब नंबर, और इधर भी प्लाइडी मतलब नंबर, लेकिन यू प्लाइडी, यू मतलब, यू का मतलब है कंप्लीट, जो है सेट, यू का मतलब है सेट, और ए का हमें पता है कि ए का मतलब होता है एक, वन। ठीक है, तो यू प्लाइडी में क्या होगा, जो चेंज आएगी क्रोमोसोम नंबर में, वो क्या होगा, सेट में होगी। जैसे कि मतलब कि अगर क्रोमोसोम म्यूटेशन आएगी, क्रोमोसोम म्यूटेशन आएगी यू प्लाइडी, मतलब एक अगर वन वन एन था क्रोमोसोम नंबर, उसमें म्यूटेशन होगी, तो वो हो जाएगा 2N या 3N, मतलब कंप्लीट सेट क्या होगा,
उसमें वेरिएशन आएगी सेट में। तो जैसे कि हैप्लॉयडी, हमें पता है कि हैप्लॉयडी मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको बोलते हैं हैप्लॉयड। जो हैप्लॉयड्स होते हैं उसका करेक्टर क्या होता है, हैप्लॉयडी वन एन, ठीक है। और ये डिप्लॉयडी मतलब वन एन से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो हैप्लॉयड होते हैं लेकिन उनमें क्या होती है वेरिएशन चल जाती है, तो क्या होते हैं डिप्लॉयड हो जाते हैं। क्रोमोसोम में वेरिएशन क्या होता है, प्लाइडी यूप्लाइडी आ जाती हो जाती है उनमें, उसको बोलते हैं हम डिप्लॉयडी, ठीक है, टू एन। और जो पॉलीप्लाइडी हो गया, ट्रिप्लाइडी, डिप्लॉयडी को ट्रिप्लाइडी होगी, ठीक है, पेंटाप्लाइडी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो कि बीट है हमारी उसमें देखी जाती है पॉलीप्लाइडी, मतलब कि उसके जो बड़े सारे जो सेट हैं उसमें वेरिएशन आती है। प्लाइडी यूप्लाइडी होती है उसमें, और 12 एन भी देखा गया है उसमें। वन थिंग विच आई फॉरगेटिंग द यूप्लाइडी इज दैट कि इसमें जो होता है यूप्लाइडी में जो जीनोम में चेंज आती है वो कंप्लीट जीनोम में चेंज आती है, मतलब अगर कोई भी चेंज आएगी जो नंबर के हिसाब से होगी तो उसमें क्या कंप्लीट जीनोम में चेंज आएगी, कंप्लीट क्रोमोसोम का जो सेट होगा उसमें चेंज आएगी। और एन्यूप्लाइडी में क्या होगा, जो चेंज आएगी उसमें विच द चेंज इज नॉट इन द कंप्लीट जीनोम, मतलब कंप्लीट जो सेट है उसमें चेंज नहीं आएगी, जिसमें कि क्रोमोसोम की क्या होगी, डिलीशन और एडिशन होगी, नॉट इन द कंप्लीट जीनोम बट इन द पार्ट ऑफ जीनोम। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द यूप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी इज दैट द इन द यूप्लाइडी विच इन द वेरिएशन इन द नंबर अ जीनोम वी आर द क्रोमोजोम नंबर इज ए एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ द हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम, रैदर इन द एन्यूप्लाइडी देर इज नो एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ द हैप्लॉयड सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द ऑर्गेनिज्म। सो एन्यूप्लाइडी में क्या होगी, जहाँ तो एडिशन होगी जहाँ तो डिलीशन होगी, बट देर इज ओनली इन ए पार्ट ऑफ द जीनोम। एन्यूप्लाइडी इंक्लूड मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। सो फर्स्ट वन इज द मोनोसोमी, मोनोसोमी इन विच द मोनोस, मोनो मीन्स सिंगल। सो इसमें क्या आएगी, जो होमोलोगस पेयर होगा, मान लो ये क्रोमोजोम का होमोलोगस, होमोलोगस पेयर था, ठीक है, क्रोमोजोम का होमोलोगस पेयर था, इसमें क्या होगी एक क्रोमोजोम था उसमें म्यूटेशन आई और वो क्या हो गया डिलीट हो गया। इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, मोनो मीन्स वन, तो क्या होगा वन, तो इसमें क्या होगा एक क्रोमोजोम था जो, ये अगर मान लो कि हमारे पास डिप्लॉयड सेट था क्रोमोजोम का, ठीक है, उसमें क्या था जो होमोलोगस पेयर था, एक पेयर था होमोलोगस क्रोमोजोम का, बीच वी हैव द वन फ्रॉम मैटरनल एंड वन फ्रॉम द पैटर्नल, ठीक है, तो वो था जो उसमें से एक जो था वो डिलीट हो गया बाई चांस म्यूटेशन की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम क्या, हम मोनोसोमी, जिसमें होगा टू एन माइनस वन, ठीक है, मतलब कि डिप्लॉयड सेट था उसमें से एक जो होमोलोगस पेयर था उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया। ओके, और नेक्स्ट वन है हमारा नलिसोमी। नलिसोमी में क्या होता है, मान लो ये डिप्लॉयड सेट था, मान लो ये कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, उसमें क्या था कि एक दो तीन, ये तीन क्या थे होमोलोगस पेयर थे, होमोलोगस पेयर थे क्रोमोसोम के, ठीक है, मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था जिसमें क्या थे तीन तीन क्रोमोसोम थे, जिसमें से क्या हुआ कि जो एक क्रोमोसोम था, ये जो क्रोमोसोम पेयर था उसमें से डिलीट हो गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम पेयर उसमें से डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से क्या नल इसमें कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि इसकी जगह कोई और क्रोमोसोम, जहाँ जो ये क्रोमोसोम नंबर था ये डिलीट हो गया, ये मान लो कि क्रोमोसोम नंबर वन था, ये टू था, ये थ्री था, तो टू क्रोमोसोम नंबर था जो वो पूरा ही डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं नल, नल मतलब नथिंग एंड नलिसोमी, दैट इज वाई। तो इसका क्या क्या फार्मूला हो गया, टू एन माइनस टू। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट वन इज द ट्राइसोमी। सो ट्राइसोमी क्या होती है, ट्राई मीन्स ट्राई, नाम से याद रखना, ट्राई मीन्स ट्रिप्लीकेशन। अब ट्रिप्लीकेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक कंसिडर दैट ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इक्वल टू थ्री, सो दिस इज वन पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर एंड विच इज द होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर, वन फ्रॉम मैटरनल एंड फ्रॉम पैटर्नल। ओके, सो वट इज हैपनिंग हियर कि जो क्या था ये क्रोमोजोम नंबर था, मान लो कि ये क्रोमोजोम नंबर जो टू था उसमें क्या होगी, जो ड्यूरिंग ए डिवीजन क्या हो गया, ये क्या कर गया दो बार रेप्लीकेशन करनी थी इसने, तीन बार रेप्लीकेट कर गया थ्रू द म्यूटेशन फैक्टर एंड इन अदर म्यूटेशन फैक्टर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसकी तीन कापीज बन जाएंगी, ठीक है, तीन कापीज बन गई, तो एक एक्स्ट्रा कापी होगी इसकी, ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, जहाँ फिर मियोसिस में जब सेपरेशन होती है तो एक में क्या होगा, एक एक चला गया और दूसरी साइड दो दो सेपरेट होने थे, लेकिन एक में एक क्या हो गया, एक अकेला रह गया, वो दूसरा तीन पीर में चला गया, रिप्लिकेशन में चला गया, मतलब तीन कॉपीज थी उसकी, उसमें चला गया और एक अकेला रह गया। ओके तो उसमें क्या होगा, ट्राइसोमी मतलब एक हो तीन में वो करा है, मतलब तीन कॉपीज हैं एक क्रोमोसोम की, ठीक है। तो रिप्लिकेशन मतलब तीन बार एप्लीकेट कर गया, तो इसकी वजह से इसकी क्या फार्मूला हो जाएगा, 2n+1। ओके मतलब इन दिस द ह्यूमन जीनोम हैज़ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विच इज ट्रिप्लीकेटेड, और वी कैन से दैट इट इज रिक्वायर्ड देर शुड बी होमोलोगोस्फीयर, बट देर इज थ्री क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ टू, वन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। सो जहाँ पर क्या करेगा, एक क्रोमोजोम ट्रिप्लीकेट करेगा, उसको बोलेगा हम सिंगल ट्राइसोमी। और मान लो कि जहाँ पर क्या थे कि एक ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आया, ठीक है, ये क्या थे, तीन क्रोमोजोम थे, कोई ऑर्गेनिज्म मान लो कि उसमें तीन क्रोमोजोम थे, और क्या थे, एक में ट्राइसोमी हो गया और दूसरे में भी गया, एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया, ट्रिप्लीकेट कर गया, दूसरा भी क्रोमोजोम नंबर, ये थर्ड, ये फर्स्ट क्रोमोजोम नंबर, ये सेकंड क्रोमोजोम नंबर, ये थर्ड क्रोमोजोम नंबर, ये भी ट्रिप्लीकेट कर गया, इसमें क्या हो गया, तो इसका क्या फार्मूला आ जाएगा, डिप्लॉयड तो है 2n, तो एक्स्ट्रा एक इधर है एक इधर है, तो मतलब +1 और प्लस दूसरा वाला 1, तो क्या फार्मूला बनेगा, 2n+1+1, तो इसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमी। ओके और जहां पर क्या करेगा, एक क्रोमोसोम ट्रिप्लीकेट करेगा, उसको बोलेंगे हम सिंगल ट्राइसोमी, एंड जहां पर दो क्रोमोसोम ट्रिप्लीकेट करेगी उसको बोलेंगे हम डबल ट्राइसोमी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज द टेट्रासोमी। इसमें क्या होगा कि जो जो ऑर्गेनिज्म का होल जीनोम होगा, उसमें टेट्रासोमी में जो ऑर्गेनिज्म का होल जीनोम होगा उसमें दो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होंगे, मतलब 2n+2, टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होंगे टेट्रासोमी। ओके तो इसको बोलेंगे हम टेट्रासोमी। सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। फर्स्ट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, वन इज क्रोमोजोमल म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज जीन म्यूटेशन। सो द वी स्टडी द क्रोमोजोमल म्यूटेशन विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स विच इज ऑन द डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन द नंबर एंड द चेंज इन द स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। सो वेरिएशन के बेस पे हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया, जो द वेरिएशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलाइडी लेवल, एंड वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच इज वन इज यू पोलाइडी एंड सेकंड वन इज एन यू पोलाइडी। यू पोलाइडी इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन वियर द इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर इज एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। So you in euploidy, the variation in the chromosome number is the exact multiples of the haploid set of chromosomes, and in the euploidy the variation is not the exact multiples of the haploid set of chromosome. So इसमें क्या होता है, जो वेरिएशन एक क्रोमोजोम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, euploidy कम्प्लीट सेट क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके देन वी हैव स्टडी हैप्लॉयडी डिप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी। हैप्लॉयडी के केस में हमारा जो जो बीज के केस में होता है, हैप्लॉयडी एब्जॉर्ब की जाती है बीज के, बीज के केस में, डिप्लॉयडी और नॉर्मल ह्यूमन बींग में डिप्लॉयडी होती है, और पॉलीप्लॉयडी हमें बड़ी सारी स्पीशीज में देखी गई है, मोस्टली इन द प्लांट्स। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मोनोसोमी, मोनोसोमी क्या होती है, डिक्रीज इन बियर द वी हैव द वन लेस क्रोमोजोम टू द एग्जैक्ट क्रोमोजोम, मतलब कि एक क्रोमोजोम जहाँ पर क्या होता है डिलीट हो जाता है उसको बोलते हैं मोनोसोमी, और नलिसोमी जहाँ पर क्या एक होमोलोग स्पीयर डिलीट हो जाता है। तो ये हाइपोप्लाइडी, मोनोसोमी और नलिसोमी आल्सो इनको इसमें डाला जाता है हाइपोप्लाइडी, क्योंकि जहाँ प्लाइडी, क्योंकि जहाँ पर क्या क्रोमोजोम नंबर था वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब -1 और -2। और जो ट्राइसोमी और टेट्रासोमी है इसमें उसको क्या है हाइपरप्लाइडी में डाला जाता है, हाइपरप्लाइडी, जिसमें क्या होता है ट्राइसोमी क्या हो गया 2n+1, एंड द टेट्रासोमी हो गया, ट्राइसोमी हो गया 2n+1, जहाँ पर क्या होता है एक क्रोमोसोम ट्रिप्लीकेट कर जाता है, और टेट्रासोमी में क्या होता है एक क्रोमोसोम दो दो एक्स्ट्रा कॉपीज बन जाती है एक क्रोमोसोम की, तो उसकी वजह से 2n+2। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्प्लीटली, एंड इफ यू हैव फर्दर एनी क्वेरी सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी प्लीज डोंट हेजिटेट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।